सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों इसमें आप लोग देखिए, ये जो कि चिड़िया घर है दोस्तों, मैं आप लोग का अच्छा अच्छा सीन दिखाऊंगा। दिखाओ भाई, देखिए मैं आप लोग के कुछ यहाँ पर एक दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। ये जो पटना चिड़िया घर है उसका सीन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलता तो हमको भी नहीं पता, लेकिन गिद्ध जैसा है कि सारा से देखिए खाना खा रहा गिद्ध सारा देख सकते हैं। ये पटना चिड़ियाघर है ना, पटना जू जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान, उसका सीन है दोस्तों। देखिए इसका पंखा टूट गया है, तो पंखा टूटने के कारण गरमाल में नोच नोच के पत्थरे खा रहा, पंखे टूटा टूटा। इसका देखिए मुंह देख रहा, लगता है जैसे अच्छी है। इसको बोलता है ठेठ भाषा में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग इसी को बोला जाता है दोस्तों, जो कि देखिए यहाँ पर ये शुतुरमुर्ग का यह कुछ प्रकार से यहाँ सीन रहा दोस्तों, जो कि यहाँ पर 60 kg का वजन से लेकर 130 kg तक रहता है। अब आप लोग को मैं यहाँ पर सैर करा रहा हूँ भालू। भालू दोस्तों जो कि गमकीला और सरीला जिसको बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए भालू का बहुत मस्त दृश्य आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए मिट्टी को रहा, देखिए देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है भालू। दो को भालू है पटना जू में बेली रोड में। चलिए आगे चलते, यहाँ पर भी लगता है भालू है। हिमालय काला भालू, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों हिमालय काला भालू। देखिए बहन के जाना सूता हुआ है, ये मोटा भालू है हिमालय काला भालू। ड्राम है बजाता है दिल्ली में, देख सकते हैं बियर पियर भालू सब यहाँ पर लिखा हुआ। बाकी आप इसी भी ब्लॉग में देखिए, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग का मैं दिखाऊंगा अच्छा चित्र। कुछ चिड़ियाघर तो है बारह, लेकिन कुछ कुछ अभी तक भालू ही मिला है, हाथी वगैरह नहीं मिला दोस्तों। देखिए एम्बू, एम्बू किसको कहता है यह देखिए, ये एम्बू देखिए। इसको एम्बू बोला जाता है, देखिए कुछ इस प्रकार से। अरे यार लोल कितने बार सब देखिए पत्थर नोट में से खाता एम्बू है ये, इसका नाम है जो नाम लिखा हुआ है मैं पढ़ के आप लोग को सुना रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि अपन मन से। देखिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है केज का, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से पक्षी वाला न। देखिए एक पक्षी यहाँ पर दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा होगा जाली भीड़ने से। बाकी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख करें तो यहाँ पर बंद है। देखिए यहाँ पेड़ का काम प्रगति पर है, इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बंद है अभी फिलहाल के लिए। बाकी आप लोग देखते रहिए पक्षी चिड़ियाघर का सब आप लोग का नज़ारा दिखाता हूँ अब आप लोग को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अब आप लोग को दिखाता हूँ पक्षी का इंटरव्यू।